नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सुरेश चंद्रा, जो हमेशा बहुजन समाज की बात करते हैं। चंद्रा साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद जी। चंद्रा साहब, अभी एक एंड चैनल पे आने वाला है बाबा साहब का सीरियल, जो बहुत सारे बहुजन समाज के लोग उसको लेके बड़े एक्साइटेड हैं कि बहुजन समाज की बाबा साहब की बातें हमें जानने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आलोचना और अवहेलना भी शुरू हो गई है, जो अभी सेटेलाइट पे चैनल आए नहीं है, टीवी पे आए नहीं है, और उसकी आलोचना भी से हो गई है। क्योंकि बाबा साहब के हाथ में श्री करके दिखाया जाता है, जो एक स्लेट ले जा रहा है बच्चा, बाबा साहब के गले में एक धागा पड़ा हुआ है काले रंग का। तो जो किस तरीके का सीरियल रहेगा, क्या ये कोई सोची समझी साजिश के तहत दिखाया जा रहा है, या हकीकत में बाबा साहब की वही लीला दिखाई जाएगी इस चैनल में, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। देखिएगा सुरेंद्र जी, जी जहाँ तक ये बात आपने कही कि बाबा साहब पर एक सीरियल बन रहा है और बहुजन समाज के लोग, और बहुजन समाज ही नहीं सर्व समाज के लोग जी, बड़े ही एक उत्साहित हो रहे हैं उसे देखने के लिए जी। तो उसमें तो मेरा मानना ये है कि बाबा साहब का नाम, बाबा साहब का फोटो, बाबा साहब के काम इस तरीके के हैं कि उनको सुनने के लिए, बाबा साहब को, बाबा साहब का चित्र देखने के लिए, बाबा साहब के काम जानने के लिए जी, केवल यही इसी देश के लोग नहीं, संसार भर के लोग उत्साहित हैं और मान भी गए हैं जी। अमेरिका जो संसार का सबसे मजबूत देश माना गया है जी, वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने इस तरह की बात कही है कि अगर संसार भर में कोई शख्सियत है जिसे हम सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जान सकते हैं जी, तो वो बाबा साहेब हैं। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। और जहाँ तक एनटीवी वालों की बात है कि उस पर सीरियल आ रहा है, तो बाबा साहेब के लिए इतने जागरूक तो लोग हो गए हैं कि वो इस तरह के सीरियल बनाएंगे। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि आलोचना भी होने लगी है, तो आलोचना का कुछ न कुछ आधार तो होगा। जब उनका विज्ञापन है, विज्ञापन मात्र में ही स्लेट पर श्री शब्द लिखा रहा है या और भी इस तरह की डायलॉगिंग है, तो निसंदेह है कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसका मकसद ये हो सकता है कि वो केवल मात्र जो एंटरटेनमेंट है वो मकसद हो सकता है, बाबा साहेब के नाम पर बहुजन समाज को कुछ समझाने का हो सकता है, तो कुछ गुमराह करने का भी मकसद हो सकता है जो बाबा साहेब को चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि बाबा साहेब के नाम पर सीरियल बना करके नाम कमाने की लक्ष्य हो सकता है, दाम कमाने का भी लक्ष्य हो सकता है, और बहुजनों को इस तरीके से लालाहित करने का प्लानिंग हो सकती है। चूँकि अभी पूर्णतः है तो सीरियल आया नहीं है, और सीरियल भी जब चलेगा तो टुकड़ों टुकड़ों में चलेगा, डेली हो या पाक्षिक हो या साप्ताहिक हो, इस तरह का उसका कहीं चलेगा प्रोग्राम। जब चलेगा तो शुरुआत में जब विज्ञापन में ही जब इस तरह का बात है, तो मुझे तो पूरा डर लग रहा है कि बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो भी, तो इतने के बावजूद मेरे बाबा साहेब का फोटो तो होगा, बाबा साहेब की टाई सूट बूट तो होगा, बाबा साहेब के हाथ में मेरा संविधान तो होगा। लेकिन हाँ, मेरी जानकारी में एक बात और आई है कि भाई बाबा साहेब की जगह जिस तरह का बाबा साहेब का हाव भाव स्वभाव था, उससे भिन्न कोई पात्र इसमें लिया गया है। लेकिन फिर भी इतनी सारी कमियों के बाद भी मैं जो इस सीरियल के निर्माता हैं, मैं उस डायरेक्टर महोदय को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो इसलिए कि इन हालातों में भी एक दलित समाज में जन्मे संत महापुरुष, दलित मसीहा,
और इस भारत को संसार का सर्वोत्तम संविधान देने वाले, हमारे आदर्श जिंदगी बनाने वाले, और जैसे आप मुझे देख रहे होंगे टाई सूटेड बूटेड इस तरह की जिंदगी देने वाले, मेरे बाबा साहेब का ऊपर एक सीरियल तो बना रहे हैं। सीरियल बनाने की हिम्मत तो जुटाई है, नहीं तो आज के टाइम में तो बाबा साहेब का नाम लेना भी बड़ा दुर्लभ सा हो रहा है, क्योंकि बाबा साहेब को जीते जी लोगों ने बेइज्जत किया है। लेकिन मैं धन्यवाद का पात्र मानता हूँ कि आपके सीरियल के माध्यम से ही बहुजनों में और जागरूकता पैदा हो जाए, और मैं बहुजन समाज से भी अपील करता हूँ कि वो भी बाबा साहेब के ऊपर इस सीरियल को वो अपने सकारात्मक रवैये से देखें, सकारात्मक सोच से देखें, तो हमें कहीं उनके जो अच्छे अच्छे काम हैं उनका पता लग जाएगा, और अगर कहीं उसमें कुछ और दर्शाया गया है तो उससे सावधान रहने की आवश्यकता है, ऐसा भी मेरा निवेदन है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।